सभी साथियों को जय भीम कहना चाहता हूं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं, बिहार विधानसभा चुनाव की ताज़ा रिपोर्ट, और सभी साथियों से यह पूछना चाहता हूं, कोई मुझे जय भीम कहने से रोक लेगा? क्या मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? क्या संविधान मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि मैं जय भीम बोलूं? कहने का तात्पर्य बहुत लोगों को बुरा लग रहा है। बहुत सारे लोग बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुझे बिहार में घूमने पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। वो याद देख रहे हैं कि शायद बिहार के बहुजन समाज को मैं एकजुट कर दूंगा, जय भीम का उद्घोष करूंगा और लोग इकट्ठे होंगे। तो मैं हमेशा से जय भीम बोलता रहा हूं, जय भीम बोलूंगा। जिसको जो करना है वो कर सकता है, व्हाट्सएप पे गाली दे सकता है, ट्विटर को रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है, फेसबुक पर गाली दे सकता है, परंतु जय भीम बोलने से आप हमको नहीं रोक सकते। जितनी ताकत लगाना है आप लगा लीजिए, और मैं रिपोर्टिंग करूँगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जब हमने पटना की रिपोर्टिंग शुरू की, तो जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव हैं, यानी राजद टीम के सर्वे सर्वा हैं, नेता हैं प्रतिपक्ष, और उन्होंने कुछ पोस्टर्स लगाई हुई है बिहार विधानसभा के मद्देनज़र और बिहार की जनता के लिए कि 73-74 दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं, प्रवासी मजदूरों को अनाथ बनाकर छोड़ दिए। ऐसा पप्पू यादव जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, प्रवासी मजदूरों को रोड पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिए, राशन नहीं मिल रहा है, गांव में अव्यवस्था है, राशन डीलर मनमानी कर रहा है, जो ग्राम प्रधान है वह मनमानी कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर मनमानी हो रहा है, बहुत सारी समस्याएँ उन्होंने गिनवा दी है। अब सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है और एक मीडिया का धर्म है कि सत्ता पक्ष से भी पूछा जाए। जब सत्ता पक्ष से पूछा, सवाल किया, तो नीतीश कुमार अपनी काम की फेहरिस्त गिनाने शुरू कर दिए और आप जरा इनकी स्टेटमेंट देख लीजिए। इस क्षेत्र में काम नहीं है, अब सिर्फ सड़क और पुल बनाना नहीं, घर घर तक तो पहुंचा ही दे रहे हैं, हर टोला को कर रहे हैं। 7 निश्चय में तो आपको हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर नल का जल पहुंचने वाला है, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। क्या स्थिति थी जी, गांव में तो गर्मी के दिन में भी नीचे पानी भरा रहता था, कीचड़ रहता था, हम लोग अपने इलाके में नहीं घूमते थे, सांसद थे नहीं जाते थे, देखते नहीं थे हालत। तो हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम तो करवा रहे हैं। फिर जल जीवन हरियाली अभियान, जल है हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, इसके लिए पूरी प्रेरणा, कितना बड़ा मानव श्रृंखला बना। कुछ लोग तो बिना मतलब के ना हम पर बोलते रहते हैं। और फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपके गांव की हर सड़क पक्की हो गई? क्या आपके घर में जल पहुंच चुका है? जल नल की योजना ये बता रहे हैं, ये बहुत सारी अपना विकास के जो है गिनती करवा रहे हैं कि हमने पिछले 15 साल में बिहार की शकल बदल दी। तो आप अपने मोहल्ले का फोटो आप हमें भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे सच्चाई बता सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी जो गलत आरोप लगा रहे हैं, या नीतीश कुमार ने वाकई अच्छा काम किया है? नीतीश कुमार जी ने कहा कि सबको हमने राशन दे दिया, सबको हजार हजार रुपये दिया, 28 लाख मजदूरों को इन्होंने दिया है, इन्होंने सारी गिनती करवा दी, और ये कह दिए कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्ष के हैं, खामखा प्रोपगंडा कर रहे हैं, बिहार की जनता, बिहार का बहुजन समाज हमारे साथ है, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक सबके सब नीतीश कुमार जी के साथ हैं, ऐसा इनका दावा है। और तेजस्वी यादव जी बार बार रोते हैं कि प्रवासी मजदूर भाइयों को इन्होंने रोड पे छोड़ दिया, सड़क पे छोड़ दिया।
मुजफ्फरपुर की रेलवे स्टेशन की घटना आपने देखा ही, ज्योति पासवान दरभंगा तक साइकिल से लेकर आई वह भी आपने देखा है। मैं पूरे बिहार की जनता से, सर्व समाज हो या बहुजन समाज हो, आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम विपक्ष से भी पूछते हैं और सत्ता पक्ष से भी पूछते हैं, जो असली सिनेरियो निकल कर आती है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सत्ता पक्ष ने अपनी विकास की गाथा गा दिया, प्रतिपक्ष रो रहा है। बिहार की जनता क्या कह रही है? क्या आपके घर में राशन पहुंच रहे हैं? टाइम से आपके पास पैसे पहुंच गए? किसान भाइयों से पूछ रहा हूँ कि अगर आपको 6,000 रुपये जो मोदी जी भेजते हैं दिल्ली से, आपको पहुंच गया? क्योंकि सबने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। आगामी अक्टूबर महीने में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो आप याद रखिए, जितने भी बिहार के किसान भाई हैं सभी जिले से, वहाँ पे डीएपी खाद, पोटास, यूरिया की किल्लत होगी। उस समय जो है खेत की जुताई होगी, क्योंकि फसल बुवाई का टाइम होता है। क्या किसान संतुष्ट हैं नीतीश कुमार के शासन से? क्या नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 साल में वाकई बिहार को बदल दिया है? क्योंकि वो कहते हैं कि आज से 15 साल पहले जो बिहार की शकल थी वो जंगल राज था, और तेजस्वी यादव जो है राजनीति करते हैं जात बिरादरी के ऊपर, और पूरे बिहार की जनता जाति से ऊपर उठकर वोट करने वाली है, विकास को वोट करने वाली है, और मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। क्या ये सच है? क्योंकि आप जो कहेंगे वही सच होगा। मीडिया का कैमरा दोनों पक्ष लगता है, विपक्ष के सामने भी और सत्ता पक्ष के सामने, अपनी अपनी दलीलें लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं। अब जनता जो कहेगी वही सच होगा। आखिरकार बटन तो आप ही दबाएंगे, किसको बटन दबाने वाले हैं? बिहार में इस बार परिवर्तन की लहर है या नहीं है, या केवल हम हवा सुन रहे हैं? ऐसे आम लोगों में जो हमने देखा, जो पाया, और जो नीतीश कुमार जी जो दावा कर रहे हैं, मैंने जो देखा है, कुछ बहुजन समाज का मोहल्ला आज भी आइसोलेटेड है, यानी गांव से दूर है। वहां पर विकास कार्यक्रम के बोर्ड तो जरूर लगे हुए हैं, परंतु विकास दिखता नहीं है। वो किधर छुप गया है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वैसे ही बदहाल बच्चे, महिलाएं, हर प्रकार जो है बदहाली नज़र आती है। अगर आपके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं, जो कि देखने की चीज़ नहीं है, तो आप हमें ज़रूर लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपके सारे प्रश्न, सारे जवाब हम बिहार सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आपका विकास ये कह रहा है और बिहार की जनता ये कह रही है। आप अपना थोड़ा सा रिव्यू कीजिए अपने विकास कार्यक्रम को, ये हमें बिहार सरकार को बताना है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।